जय हिंद साथियों, यू टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग जो है बेलगाम जो अधिवेशन चल रहा है यहाँ पर सुवर्ण विधानसभा, यहाँ पर हम लोग यू टीवी न्यूज़ और साथ ही साथ जो है टीवी वन इंडिया न्यूज़, ये दोनों हम लोग क्या है बीजापुर के समस्या जो भी चल रहे हैं उस लिए हम लोग यहाँ पर सचिव को मिलने आए थे। तो यहाँ पर जो है जो प्राथमिक शाले जो हमारे बीसी नागेश सर हैं शिक्षण सचिव, तो उनको यहाँ पर हम लोग मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ पर जो बीजापुर में जो गवर्नमेंट स्कूलों का जो समस्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर हर स्कूल में अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में विजिट करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई भी बच्चा वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक एक क्लास में तीन तीन कक्षा के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ये तीन क्लास एक ही क्लास में चल रहा है, ऐसे बहुत से स्कूलों में हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पर बहुत से बिल्डिंग टूटे हुए हैं, फिर बाद में वहाँ पर जो शौचालय है जो वहाँ पर लेडीज़ का होंगे या तो जेंट्स का होंगे, किसी भी स्कूल में शौचालय का जो प्रबंध सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है हर एक शौचालय का बंद है। तो इस समस्या के लिए हम लोग आकर उनसे विनंती किए कि बीजापुर शहर में हर स्कूल में जो है प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए आप बीजापुर का दौरा करें और वहाँ पर जो स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उस गवर्नमेंट स्कूल में विजिट करके आप देखें और वहाँ का स्कूल के मरम्मत और रिनोवेशन के लिए काम करें। अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को, तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता। यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो साहूकार हैं, जो MLA या MP हैं, उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई भी देखेंगे तो कुछ भी क्या है इम्प्रूवमेंट नहीं है। बीजापुर के जो हमारे शासक बसनगौड़ा यत्नाल जी हैं वो बताते हैं कि मैं ये इम्प्लीमेंट किया, मैं वो किया, लेकिन वहाँ पर जो है थोड़े एक चार रोड बने हैं, वो छोड़ के दूसरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन हर जगह अगर देखेंगे तो मेन जो है अगर बीजापुर इम्प्लीमेंट होना है तो बच्चे की एजुकेशन होना चाहिए। तो अगर एजुकेशन देखेंगे तो बीजापुर की पूरा जीरो है। ये जो है अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजापुर जो है पीछे चलता जाएगा। सुवर्ण विधानसभा को आने का एक ही कारण है, जो हम बीजापुर में एक थोड़े दिन से दिखा रहे थे कि KEB में हगरण क्या चल रहा है, तो अभी हम लोग क्या है उस हगरण को यहाँ पर जो यहाँ ईंधन सचिव हैं उनको क्या है मनवी मुखांतर उनको दे करके ये जो हगरण कितने लोग इसमें पीछे ऑफिसर शामिल है, जो वहाँ पर अटेंडर शामिल है, जो वार्ड कीपर, जो स्टोर कीपर है वो शामिल है, जितने भी लोग AEE हो, SC हो, जितने भी आला अधिकारी हो, जितने लोग भी अगर शामिल है, तो उन लोगों को यहाँ पर सचिव हमें भरोसा दिए हैं कि उन लोगों पर एक्शन लेंगे और उन लोगों के क्या वैसे लोगों को क्या है डिमोशन करके निकाल के फेंकेंगे। जय हिंद, UTV न्यूज़, रिजवान मुल्ला। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।